हेलो, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज एम एस हुसैन और आज हमारे साथ हैं अप्रतिम सिंह, जिन्होंने हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम में 14th रैंक सिक्योर किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही, और इनका मतलब एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की क्या जर्नी रही, ये आज हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरे अभिमन्यु टीम के तरफ से अप्रतिम का। कॉन्ग्रेचुलेशन अप्रतिम थैंक यू सर। जी। अपर्तिन, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि फर्स्ट टाइम आपने रिजल्ट देखा तो क्या रिएक्शन क्या था आपका? सर जब फर्स्ट टाइम रिजल्ट देखा तो मतलब मेरा तो फर्स्ट मोटिव यही था कि मतलब प्रेफर्ड चॉइस मिल रहा है कि नहीं, जी और मतलब मार्क्स कैसा आया है, प्लस सर इंटरव्यू के मार्क्स कैसे हैं। मुझे मैंने ये सब सबसे पहले देखा, क्योंकि सर उसमें रैंक आया नहीं था, जो लिस्ट आई जी थी। जी तो जी फिर सर उसके बाद मैनुअली सब चेक करना पड़ा, तो वो जी थोड़ा सा वैसा था, मूवमेंट था। बाकी फैमिली तो सर काफी खुश है, वो लोग काफी खुश है, मतलब काफी एक्साइटेड हैं सर वो लोग इस जी चीज से, क्योंकि हाँ जी सर। तो और अप्रतिम, आप मुझे अपने बारे में बताइए कुछ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो हरियाणा में, या फिर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से हुई है और क्या किया है आपने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, जी और मैंने अपनी ग्रेजुएशन एनआईटी कुरुक्षेत्र से करी है। जी इंजीनियरिंग करी है मैंने, बीटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। जी उसके बाद सर ग्रेजुएशन के बाद 2017 के बाद मैंने करीबन 1.5 साल बैंगलोर में म्यूसिग्मा नाम की कंपनी में डेटा एनालिस्ट के तौर पे काम किया है। जी उसके बाद सर 2019 से मैं प्रिपेयर कर रहा था फुल टाइम फॉर यूपीएससी एज वेल एज हरियाणा सिविल सर्विस। जैसे कि आपने मतलब SCS की प्रिपरेशन करना शुरू किया, तो मतलब वो किस टाइप से, मतलब क्या आप कोई जॉब भी कर रहे थे साथ साथ में, या फिर आपने सिर्फ प्रिपरेशन पे ही ध्यान दिया था आपने? नहीं सर, जॉब तो मैं उस टाइम पे नहीं कर रहा था जिस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। जिस टाइम पे मैंने HCS का एग्जाम लिया पहला 21 में, जो एग्जाम आई थिंक कैंसिल हो गया था मेंस के बाद, मेंस से पहले। उस दौरान तो सर मैं फुल टाइम प्रिपरेशन ही कर रहा था, साइड बाय साइड HCS के साथ साथ जो यूपीएससी के अटेम्प्ट हैं वो भी मैंने पैरेलली ही दिए हैं। तो बस सर फुल टाइम प्रिपरेशन ही चल रही थी सर उस टाइम। हाँ जी, जैसे कि आपने बताया कि UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, और SCS के लिए क्या अलग से प्रिपरेशन कर रहे थे आप? सर जो फर्स्ट पहला जो था 21 में, जो मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था उस टाइम पे सर, क्योंकि जब मुझे पता नहीं था कि यह कैसा आता है स्टेट लेवल का एग्जाम, तो सर उसके लिए मैंने जो अरिहंत की किताब थी, जो नो योर स्टेट वाली होती है, जी स्पेसिफिकली हरियाणा से रिलेटेड स्टैटिक पढ़ना, एट द सेम टाइम हरियाणा से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे अभिमन्यु आईएएस भी निकालता है, जी प्लस जो कुछ कुछ और कोचिंग वाले जो निकालते हैं उनको, या फिर आप न्यूज़पेपर से पढ़ लें या मैगजीन से पढ़ लें सर, उनको मैं हरियाणा स्पेसिफिक कवर करना शुरू किया था। जी बट सर इस बार के प्रीलिम्स में आई थिंक थोड़ा सा फायदा प्रोबेबली ये हो गया कि पेपर थोड़ा सा यूपीएससी जैसा था, जी तो इसलिए थोड़ा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन सॉर्ट ऑफ ज्यादा यूपीएससी ओरिएंटेड थी, तो मतलब वो फायदा हो गया सर उसमें। आई थिंक जो प्रीलिम्स का पेपर आया था वो हरियाणा सेंट्रिक ना होके ज्यादा ब्रॉडर पेपर था, जिसमें जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा ब्रॉडर, अगर वो साइंस हो या हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटी हो, तो सर उस हिसाब से मतलब वो थोड़ा सा इजियर लगा मुझे प्रीलिम्स, एज कम्पेयर टू जो पहले HCS के प्रीलिम्स आया करते थे ट्वेंटी जी ट्वेंटी 21 से पहले सर। जी और अगर हम लोग बात करें प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, या फिर आप किस टाइप से, मतलब प्रीलिम्स के अगर हम लोग GS की बात करें या फिर CSET की बात करें, तो CSET और GS की क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? सर पहले तो सर जैसे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जीएस के अंदर सर, जैसे पॉलिटी के लिए बेसिक बुक जो है वो कर लिया, और जी ऐसी सर पॉलिटिक्स इकोनॉमी जी वो सर उस लेवल उसको प्रिपेयर किया था, बोथ फॉर प्रीलिम्स ऑफ HCS आल्सो एंड एज आल्सो फॉर यूपीएससी आल्सो। तो सर पहले तो ये सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, इसको छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उनको प्रिपेयर कर लिया। फिर सर जो बड़ा चंक होता है वो करंट अफेयर्स होता है प्रीलिम्स में, उसमें जो भी कंपाइलेशन आती है करंट अफेयर्स की सर, उनको उनको अच्छे से प्रिपेयर किया था, ताकि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड अगर कुछ भी कोई भी टॉपिक है वो मिस ना हो। क्योंकि सर एट टाइम्स प्रीलिम्स में ये देखा जाता है, जैसे अगर कोई टॉपिक, जैसे सर अगर फिस्कल डेफिसिट है जो जी एक टॉपिक जो चल रहा है पिछले 1.5 महीने से, 1.5 साल से,
इकोनॉमी से रिलेटेड। तो कई बार ऐसा होता है कि फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, या और भी जितने तरह के डेफिसिट होते हैं उनके आसपास से रिलेटेड जो स्टैटिक क्वेश्चन बनता है वैसा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इनमें अगर कहीं पे कुछ ऐसा कैटास्ट्रोफी हुई है, चिल्ड्रंस की बात अभी चल रही है, तो ऐसे हो सकता है कि आगे उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक सेक्शन है। तो इसलिए सर स्टैटिक और करंट को थोड़ा सा मर्ज करके पढ़ने की कोशिश करता था मैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टू इंश्योर कि मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा जो रेलेवेंस वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ फाइनल एग्जाम में। तो सर जी यही जनरली मेरी तैयारी थी कि पहले एक बार स्टैटिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें जी सारे सब्जेक्ट्स को, एक 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 करके, चाहे वो इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, जिस हिस्ट्री, फिर उसके बाद आप देखें कि करंट अफेयर, हिस्ट्री हटा के करंट अफेयर्स का कहाँ कहाँ रेलेवेंस दिख रहा है। जैसे जी पॉलिटी में मान लीजिए अगर गवर्नर और ये सब बहुत ज्यादा रेलेवेंस में, तो उससे रिलेटेड मैंने आर्टिकल्स पढ़ लिए, या फिर जो जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या देखा था, कि क्योंकि सर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आसपास ही कहीं पुट होता है ऐसा मैंने महसूस किया सर। तो उसी से अकॉर्डिंग मैंने अपनी तैयारी को फ्रेम किया था सर। जी और अगर हम लोग बात करें सीसेट की, तो सीसेट के लिए मतलब कितना टाइम देता है? यहाँ पे तो क्वालिफाइंग है, जैसे कि यूपीएससी में भी होता है, हरियाणा एससीएस में भी आपके क्वालिफाइंग है, तो आपने कितना टाइम जीएस के मुकाबले कितना टाइम आपने सीसेट को दिया था? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा तो नहीं टाइम दिया था मैंने सी सेट के लिए, बट बहुत ज्यादा टाइम ही दिया था सर। जैसे मान लीजिए पेपर अगर, सर आ रही है आवाज? जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी सर, मैं कह रहा था जैसे मान लीजिए पेपर अगर 1 महीने से, पेपर से जस्ट 1 महीने का है टाइम, उस टाइम पे मैं सी सेट शुरू करता था, मतलब आधा जी घंटा 1 घंटा, और पेपर से 10-15 दिन जब बचे होते थे तो एटलीस्ट 1-1.5 घंटा रोज कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो, क्योंकि सर मैं मोस्टली सी सेट में फोकस करता था मैथ्स के क्वेश्चंस पे ज्यादा, कि जी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं और उनके आंसर अगर आ गए हैं तो वो करेक्ट ही होता है। इंग्लिश के क्वेश्चन में एट टाइम्स देखा गया कि इंटरप्रिटेशन पे आप कई बार हो जाता है, तो अगर आप ज्यादा इंग्लिश अटेम्प्ट करके आ जाए सी सेट में तो वो जी दोधारी तलवार जैसा हो जाता है। आपको अच्छा तो बहुत लगता है कि अटेम्प्ट बहुत हो गए आपके, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 10 के 10 गलत होते हैं। जी जी लेकिन मैथ्स मतलब में अगर आपने 15 15 किए हैं, तो अगर आपने अच्छे से किए हैं तो चांसेस होते हैं कि 11 12 13 सही हो सकते हैं। तो सर मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर मैथ्स पे ही फोकस, मैं इवन ह्यूमैनिटीज वालों को भी यही कहूंगा, क्योंकि मैंने उनसे भी सुना है कि वो इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं, एज लॉन्ग या तो आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही अच्छी हो देन तो इट्स ओके, बट जी अगर आप मैथ्स पे, क्योंकि सर इजियर क्वेश्चंस भी होते हैं मैथ्स में, लो हैंगिंग अगर फ्रूट्स अगर हम होते लोग हैं बात करें सीसेट की, तो उनको मतलब जल्दी जल्दी से कितना कर टफ लें। है, कितना टफ है आपके मैथ्स की? क्योंकि मैथ्स से भी बहुत सारे बच्चे ना डरते हैं कि मैथमेटिक्स मुझे नहीं करनी है, ठीक है? तो मतलब क्या इस टाइप के लेवल थे कि लेवल आते हैं कि आराम से कर सकते हैं पढ़ के, 1-2 महीने पढ़ के? सर यूपीएससी का तो पिछले 2 साल से सी सैट बहुत कठिन है मेरे जी हिसाब से, जी मतलब मतलब काफी अच्छा लेवल है, मतलब वो बस सर कहने को क्वालिफाइंग पेपर, बस मतलब ये सारा मिस नोमर सा है वो, ऐसा उसमें बहुत लोग बाहर हो रहे हैं सी सैट में। तो अगर जी आप यूपीएससी का देखेंगे तो डिफिकल्ट है, एचसीएस का कंपेरेटिवली मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आसान तो लगा एक्चुअली सी मैं सैट, एससीएस बट की बात स्टिल कर मैं ये रहा नहीं हूँ। कहूंगा। हाँ क्योंकि इसमें सर ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े चले जाएंगे तो मतलब आप बिल्कुल सर्टेन हो सकते हैं, इसीलिए सर इंग्लिश पढ़ लें, इंग्लिश थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देख लें, और मैथ्स के जैसे सर परसेंटेज हो गया, क्या कहते हैं सर नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट जी एंड लॉस हो गया, वर्क टाइम जी एनर्जी हो गया, इनके बेसिक बेसिक के बेसिक बेसिक पिछले ईयर के क्वेश्चन निकाल के कर लें, क्योंकि क्वेश्चन उसी के जैसा आता है, वर्क टाइम का जी क्वेश्चन आएगा वैसा ही, टाइम एंड एनर्जी का भी क्वेश्चन वैसे ही आएगा, और परसेंटेज का भी टू एन एक्सटेंट वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो डूएबल है, बट मतलब छोड़ के ना जाएं बस उसे, सिर्फ जी प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। हाँ जी सर, और अगर हम लोग बात करें मेंस की, मेंस में जो आपने मेंस की जो स्ट्रेटजी रही है ओवरऑल, किस किस टाइप से रही है आपकी? सर मेंस में सर जैसे सबसे पहले तो मैंने अपना ऑप्शनल पेयर किया था बहुत अच्छे से, तो जी ऑप्शनल में मैंने अपने नोट्स वगैरह सब बना लिए अच्छे से, उसको ऑप्शनल को नोट्स को फिर जितना मैं ज्यादा कंसाइज रख सकता था, ताकि मेरे जो फाइनल टाइम में जब मुझे रिवाइज करना हो तो 1.5 से 2 दिन में मेरे पूरे ऑप्शनल के नोट्स एक ही बार में रिवाइज हो जाए, 3 दिन मैक्स टू मैक्स। जी उसके बाद सर उसी के ऑप्शनल साथ साथ फिर आंसर सब्जेक्ट क्या थी राइटिंग, आपके ऑप्शनल? सर मेरा सोशियोलॉजी था ऑप्शनल, फिर उसी के जी साथ साथ सर जैसे ही एक बार नोट्स बन गए कंपाइल हो गए,
उसके बाद आंसर राइटिंग। सेम अप्रोच सर सारे एग्जाम्स के लिए थी, चाहे वो GS 1 हो, जनरल स्टडीज में भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, ये सेक्शन के आपने मोटा मोटा नोट्स बना लिए, पढ़ लिए, एक जगह कंपाइल कर लिया, तो फिर आंसर लिखिए सर। जितना जल्दी आंसर लिखेंगे उस, और फिर उसको चेक कराइए, आंसर लिख के उसे छोड़िए मत, उसे करा दीजिए। तो सर मैंने चेक वेक बहुत करवाए थे आंसर, तो स्टार्टिंग में तो स्पीड का भी बहुत इशू आता था, और प्लस सर कंटेंट भी एक बार के बाद ऐसा लगता था कि रिपीट हो रहा है कंटेंट या आ नहीं रहा है अच्छे से, जी तो बहुत प्रैक्टिस करना धीरे धीरे, फिर सर स्पीड भी बन गई थी और धीरे धीरे सर क्या कहते हैं कंटेंट भी इम्प्रूव होने लग गया था सर। जी तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम उसे चेक कराना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी से भी। तो ये जो आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो क्या मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एक साथ चल रहे थे प्रिपरेशन आपकी, या फिर जब प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर लिया उसके बाद फिर मेंस की प्रिपरेशन करना चालू किया? सर जैसे मैंने कहा कि जो नोट्स कंपाइलेशन होता है वो आप प्रीलिम्स से पहले कर लें, जी प्रीलिम्स के बाद नोट्स कंपाइल ना करें, प्रीलिम्स के बाद आप सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग करें, जी मतलब आप सिर्फ लिखें और जो मतलब आपने प्रिपरेशन नोट्स किया उसको जो है थोड़ा वो ऐड साथ, करना मतलब चाहें तो साथ साथ ऐड कर लें। चलती है। अगर आप अगर कि साथ में सर साथ में ही चल रही है, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मेंस की प्रिपरेशन करें, प्रीलिम्स 1-1.5 महीने या 2 महीने पहले शुरू करें, क्योंकि सर मेंस के मेरे कहने का मतलब है जैसे अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो जी अगर हमने अच्छे से एक बार पॉलिटी अच्छे से पढ़ ली तो उसमें प्रीलिम्स के मोटा मोटा हो गया सब स्टैटिक, ऑलमोस्ट 70-75% एवरीथिंग इज फिनिश्ड। उसके बाद बस देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से कहीं कुछ और मुझे पढ़ने की जरूरत है। तो इसी ऐसे ही सर जैसे मैंने पहले बताया था, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में अगर मैं तोड़ दूं तो विद इन दो सब्जेक्ट ऑल्सो पहले मेन्स का कर लें जी तैयारी, और 2 महीने जब बचे हो प्रीलिम्स के तो बस उसी में फिर आप प्रीलिम्स का करना शुरू कर दें, और बाय द टाइम प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो बस वही बने हुए नोट्स और प्लस आंसर राइटिंग। बस सर यही यही था मेरे तो, मतलब मेरा अप्रोच यही था इसको। जी मतलब ये दोनों, मतलब ये जो अप्रोच आप बता रहे हो, ये ऑप्शनल के लिए भी था और आपके जीएस पेपर के लिए भी आपने सेम सब अप्रोच अपनाया था। सबके लिए, सबके लिए सर ऑप्शनल तो स्पेशली मैं तो कहूंगा ऑप्शनल तो बिल्कुल ही आपको प्रीलिम्स से पहले खत्म करना ही करना है, जी मतलब क्योंकि सर ऑप्शनल तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स में आता भी नहीं है, जी तो एट टाइम्स अगर हमने निगलेक्ट कर दिया उसको तो फिर बाद में वो फिर उसका नोट्स कंपाइलेशन, फिर उसकी आंसर राइटिंग, वो बहुत बहुत हेक्टिक हो जाता है सर। फिर ना GS निगलेक्ट हो जाता है, हम अगर ऑप्शनल करने बैठते हैं तो फिर हमारे 15 दिन 20 दिन ऑप्शनल निकल जाते हैं, GS के ऊपर रह जाता है। फिर एट द सेम टाइम सर HCS में तो हिंदी भी आती है, तो जो जी इंग्लिश इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं उनको बहुत सर मैं अपना बता सकता हूँ, मैंने 15 से 20 दिन बहुत लग के मैंने हिंदी की तैयारी करी थी, क्योंकि सर मेरी हिंदी बहुत कमजोर है, इतनी अच्छी जी नहीं है मेरी हिंदी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं सर, 10वीं से जी हिंदी छोड़ दी थी, तो जी मैं तो ये बात बताने एकदम भूल गई, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर इस बार का पेपर आपने देखा होगा, मुझे तो बहुत कठिन लगा सर हिंदी का पेपर, मैं जब अटेम्प्ट कर रहा था तो मुझे लग रहा था ये तो जो मैंने क्वेश्चन पेपर जो मैंने इवन अभिमन्यु आईएएस के मैंने जो 2-3 क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किए थे, मुझे लग रहा था वो थोड़े ज्यादा आसान से आसान लग रहे थे एज कम्पेयर टू जो सर कॉम्प्रिहेंशन, और थोड़ा डिफिकल्ट लगा सर मुझे हिंदी। तो मैं कहूँगा लैंग्वेज पेपर भी HCS के लिए जरूर कर लें, क्योंकि सर एक बार कर लिया तो वो बहुत स्कोरिंग है, जी आपने जी एक बार 70-65-70 आप लाना शुरू कर दिया अपने लैंग्वेज पेपर में, तो आप 5 या 7 नंबर का किसी भी दूसरे कैंडिडेट से एक लेवल आगे पहुंच सकते हैं बहुत आराम से, बहुत इजीली, क्योंकि स्टैटिक है सर सारा लैंग्वेज, जी तो थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है सर। हाँ जी सर, जी और सबसे पहले अच्छा एक बात बताइए हमें कि जैसे कि अगर मेंस की अगर हम लोग एग्जाम की बात करें, जहाँ पे 3 घंटे आपको मिलते हैं, ठीक है, एक पेपर को लिखने के लिए, तो उसमें जो इस बार का पेपर अगर हम लोग देखें तो बहुत ही लेंदी पेपर था, ठीक है, तो उसको कैसे, मतलब उसको कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट, मतलब उसमें एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया कि उतने कम में इतना लेंदी पेपर लिखना? सर इसमें मेन तो सबसे पहला मतलब मेरा ये होता है कि उनको पेपर कंप्लीट करना है पूरा का पूरा, जी तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि जनरली लोग ये बोलते हैं कि क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्वांटिटी पे ध्यान ना भी दें, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रिवर्स की तरह से देखना चाहिए, पेपर क्वेश्चन आप सारे अटेम्प्ट करें। और जैसे इस बार HCS में आई थिंक पहले 6 क्वेश्चन 8 या 6 नंबर के थे, फिर 14 नंबर के थे, ऐसे कुछ थे, तो सर टाइम भी उसी हिसाब से डिवाइड होना चाहिए। जैसे जी अगर पहले 10 क्वेश्चन कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ
टाइम, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन करने में 7 मिनट लग रहे हैं, तो आप 7 मिनट में ही उसको लिखें, जितना जल्दी जितनी फास्ट राइटिंग आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 7 मिनट में जितना आता है वही, जैसे मैंने जब बताया सर जो आंसर टाइम के राइटिंग कर हिसाब रहे हैं, से ही लिखना है कि आप 7 मिनट ही देना है उसको। बिल्कुल 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 सर, 7, आप चलिए मैं 7 नहीं बोलूंगा, अगर 7 एकदम आ रहा है तो चलिए 8 में लिख दीजिए, 8 में आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए, 8 पे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो बाय द टाइम आप 7 एग्जाम तक आप 7 तक आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं कि अगर वो 7 नंबर मांग रहा है तो आप उसको 7 मिनट मांग रहा है तो वो आप उसको 15 15 मिनट में लिख रहे हैं, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा सर, वो कंप्लीट नहीं होगा पेपर। जी स्पेशली जैसे जो इस बार का पैटर्न आया था HCS का, जी मैंने भी काफी उसे सुना कि वो कंप्लीट नहीं होता है, तो सर मेरा जी तो यही था जब मैंने पेपर देखा, तो मैंने पहले से डिवाइडेड था कि इसमें इतना ही टाइम देना है, तो जी मैं घड़ी के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, तो बस तो वो सर कंप्लीट होता गया धीरे धीरे, जब 10 क्वेश्चन सही सेम टाइम पे कंप्लीट हो गए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ आई एम ऑन टाइम, और फिर सर धीरे वो भी बाकी क्वेश्चंस भी ऑन टाइम कंप्लीट हो गए। सर टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करें, अगर आप उसमें एक क्वेश्चन में लेट से 6 नंबर का है आपको पूरा नहीं आ रहा लेकिन आपने लिख दिया है, जी डेढ़ दो नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बशर्ते जी आप धीरे धीरे लिखेंगे तो हो सकता है 14 नंबर का कोई क्वेश्चन छूट जाए, 6 नंबर के 2 क्वेश्चन छूट जाए, तो इसमें तो 12 18 नंबर सीधे ही गए, तो वो चीज है सर। सर टाइम देख, मैं तो सर घड़ी, डिजिटल वॉच तो अलाउड नहीं थी HCS में, नहीं जी तो घड़ी देख के 7 मिनट पे मैं कोशिश करता था कि हो गया बस इसमें, जैसे मुझे पता लगने लगता था कि अब 2 मिनट बचे हैं तो मैं जल्दी जल्दी जितना मेरे को आ रहा है मैं उतने में कंक्लूजन लिखा और मैं फिर आगे बढ़ जाता। जी अप्रतिम, आप मुझे एक जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताइए कि किस टाइप से इंटरव्यू प्रिपरेशन किया आपने, मतलब क्या थी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़ा डरते हैं बात करने से, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या थी या क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी और किस टाइप से किया आपने। सर इंटरव्यू प्रिपरेशन में सर जो जैसे जो कंटेंट जो पढ़ना था उसके लिए सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, जी और हरियाणा के लिए एक ट्रिब्यून जो न्यूज़पेपर आता है सर, न्यूज़पेपर तो उसका नहीं पढ़ता था, उसकी जी वेबसाइट पे जाके देख जी लेता था सर कि क्या चल रहा है, जैसे स्पेसिफिकली मेरे डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ जैसे खोरी विलेज का इंसिडेंट हुआ था, लैंड इंक्रोचमेंट का कुछ नया मुद्दा चल रहा है यहाँ पे, या फिर मे बी किसी और डिस्ट्रिक्ट में कुछ चल रहा है, तो सर वो सारे इवेंट्स और प्लस नेशनल इवेंट्स जो चल रहे हैं उनको जानना सर, एट द सेम टाइम जो मेरा खुद का बैकग्राउंड है सर, जैसे सर मैं NIT कुरुक्षेत्र से आया हूँ, मेरी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, तो जी मुझे अपनी फील्ड के बारे में मोटा मोटा पता होना चाहिए, वो मुझसे पूछ सकते हैं 4D प्रिंटिंग क्या है, 3D प्रिंटिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या नए डेवलपमेंट्स आए हैं, रोबोटिक्स को कैसे मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, क्योंकि मेरा ट्रेड वही है। फिर उसके बाद सर जो मैंने काम, जैसे मैंने काम किया डेटा एनालिटिक्स में, तो मेरा 50% से ज़्यादा इंटरव्यू डेटा एनालिटिक्स पे था, तो मैंने वैसे ही प्रिपेयर किया था कि मतलब करते हुए कि वो पूछेंगे मुझसे क्वेश्चन कि क्या मतलब है डेटा एनालिटिक्स का, क्या यूसेज है डेटा का, और क्यों डेटा इतना बड़ा बस वर्ड है, तो सर जो कोई भी एप्लीकेंट का जो भी उसका बैकग्राउंड है उसके पॉइंटर्स को पकड़ ले वो, क्या उसका ग्रेजुएशन है, कहीं उसने जॉब करी है और किस फील्ड में उसका ग्रेजुएशन है, ये तो एक पार्ट हो गया, उसकी हॉबीज क्या है सर, जैसे मेरी हॉबी जी क्रिकेट था तो क्रिकेट पे मुझसे 2 4 क्वेश्चन पूछे, किसी की जो भी हॉबी हो तो उस पर प्रिपेयर कर लें थोड़ा सा। जी और दूसरा पार्ट है सर ये जो करंट वाला सर, जैसे मुझसे बैठते ही सबसे पहला क्वेश्चन अडानी वाला इच्छा था, क्योंकि उस फ्रंट पेज की न्यूज थी सर उस दिन की, तो सर जिस दिन इंटरव्यू भी देने जाए उस दिन उसके पहले के 3 4 दिन भी देखते रहें कि क्या पूछ रहा है वो, कभी कभी बोर्ड जब बैठता है तो उनके दिमाग से रहती है तो वो छूटते ही पूछते हैं, और वहां पे अगर आपको वो चीज नहीं पता होती तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो सर ये तो हो गया प्रिपेयर वाला पार्ट, और दूसरा सर आई थिंक जो आप कह रहे थे कि कुछ लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं बोलने में, जी सर आपस में दोस्तों से बात करें, मतलब जो उनके ग्रुप हैं, जी मतलब दोस्तों मतलब जो 4 या 5 का ग्रुप बना लें, कोई एक टॉपिक उठा लें, जैसे मान लीजिए जैसे आप क्या कहते हैं कोई पंचायत, पंचायत की गवर्नेंस पे आप कुछ कोई टॉपिक है तो उस पे आप डिस्कस कर लें, क्योंकि सर HCS में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जो जो कि वहाँ लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, वहाँ जी जैसे मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो मैं आराम से हिंदी में बोल सकता हूँ, तो आप जी हिंदी में बोलें, आपको जैसे ठीक लग रहा है वैसे बोलें, हिंदी के साथ साथ आपको लग रहा है कि आपको शुद्ध हिंदी नहीं बोलनी, आप बस एक्सप्रेस करिए,
जो चीज आपसे नहीं हो रहा आपको इंग्लिश में बोल दीजिए, तो ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना मतलब के उसको नॉर्मल डिस्कस भाषा में भी करिए। बात कर सकते हैं जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। सर सर जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, आराम से बात बिल्कुल कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स मैंने इंग्लिश में यूज किए हैं, बिल्कुल तो बस वैसे ही सर, वैसे ही कोई भी, जैसे मान लीजिए कास्ट सेंसेटिव टॉपिक है, चार लोग बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ इस पे ये हो सकता है, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, या इसका क्या इफेक्ट हो सकता है लार्जर सोसाइटी पे, गवर्नेंस पे, तो उस पर आप अपना मत बिना किसी उसके झिझक के रखें, क्योंकि दोस्तों के से डिस्कस करेंगे तो सर थोड़ी सी झिझक नहीं रहती जी अमंग दोस्तों में, रादर देन एक प्रोफेशनल स्फीयर में अगर आप डिस्कस करना शुरू करते हैं तो कभी कभी आदमी थोड़ा घबराता है, झिझकता ज्यादा है, तो जैसे जैसे आप बोलने लगेंगे सर इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अच्छा मैं तो 2 पॉइंट बता पाया, अच्छा मैंने 3 पॉइंट बता दिए और मेरा पॉइंट ग्रुप में भी एक्सेप्ट किया गया कि हाँ बहुत अच्छा बोला है, तो धीरे धीरे सर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और एक बार सर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है बस सर, उसके बाद इतना डिफिकल्ट नहीं है इंटरव्यू, क्योंकि सर पढ़ना बहुत कम कम होता है कि आपने पढ़ा, जैसे किसी ने जो भी ट्रेड पढ़ा है उसको तो पता है उसने क्या क्या पढ़ा है, तो बस उसको बिल्कुल वही जानना है, वो कहीं कहाँ नौकरी कर रहा है उसको वही जानना है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, क्या हिस्ट्री हुई है, वो उसी का अपना खुद का है, तो पढ़ने को आप देखेंगे तो उस सेंस में स्कोप थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस और उस पर काम करेंगे तो सर डूएबल है, सर स्टार्ट कर दें सर कॉन्वर्सेशन करना छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटे छोटे डिस्कशन करते हुए सर, उससे हो सकता है, उससे किया जा सकता है सर। मतलब कम्युनिकेट करें अपने बारे में, या फिर बात करें, डिस्कशन करें, या फिर मतलब घर बिल्कुल पे सर, प्रैक्टिस करें आप, ठीक है, ये सारी चीजें। बिल्कुल सर, मैं तो कहता हूँ सर घर पे अगर आपके पास ग्रुप नहीं है, जी आप जो पढ़ते हैं आप अपने सिब्लिंग्स को बता दें, आप जी अपने पेरेंट्स को बताएं, आप बोलिए तो सही, बस जो भी आपको आ रहा है ना आप उसको जी बोलिए, जब आप बोलना आप शुरू, मैंने यही कह रहा हूँ सर HCS में सबसे अच्छी बात यही है कि जी वहां पे बैठ के आपको आप लैंग्वेज पे टेस्ट नहीं कर रहे, वो आप इंग्लिश कितनी अच्छी बोल रहे हैं, आपकी हिंदी में उच्चारण कितना अच्छा है, उस पर उनको कोई मतलब नहीं, आप आप बोल पा रहे टाइपिंग हैं कि को, नहीं हाँ बोल पा बिल्कुल, रहे आप हैं, बोल पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन क्या बदान दे रहे हैं, ये इन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, आप कितनी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, आप हिंदी में जी पिकिंग बोल रहे हैं, आपने बहुत सरल तरीके से और 5 लोगों को समझा दिया और बस वो खुश हैं इस बात से, बस वही मैं कह रहा हूँ कि वही चीज आप अपने पेरेंट्स को समझा दें किसी कोई एक चीज की, हाँ मैंने ये आज पढ़ा ऐसा कुछ कुछ मत, उनका भी होगा तो शायद क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी तो और भी अच्छा है, तो आपका इम्प्रूवमेंट और भी अच्छा हो सकता है, दोस्तों के साथ करें तो वो भी हो सकता है, बट करना पड़ेगा सर, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मेंस के कॉल तक वेट ना करें इस चीज का, इसको आप मतलब इसको फर्स्ट डे से ही सोच के चलें कि जब मैं प्रीलिम्स लिखने जा रहा हूँ तो मैं इंटरव्यू में भी प्रिपेयर होऊंगा और मेरा फिर उसके बाद सिलेक्शन भी होगा, एट टाइम्स हम लोग इसको सोचते हैं जब प्रीलिम्स होगा तो पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं, फिर क्लियर होगा तो मेंस पढ़ेंगे और फिर क्लियर होगा तो इंटरव्यू पढ़ेंगे, तो सर उसमें क्या होता है ना फिर जब आप, तो उसमें एक टाइम तो बहुत कम ही होता है सर, बहुत कम टाइम देते हैं बीच में, तो फिर उस बीच टाइम में वो स्किल डेवलप करना थोड़ा मुश्किल है, तो बात ही तो करना है सर, ऐसे बात करते भी बिल्कुल आपको भी बिल्कुल अच्छा लगेगा, जो आपने पढ़ा है वो आप बताते रहेंगे जी तो स्किल इम्प्रूव हो जाएगी सर। जी और अप्रतिम, मुझे कुछ ऐसा इंसिडेंट जो मान लो आपकी प्रिपरेशन के दौरान घटी हो, या फिर आप जब इंटरव्यू देने गए थे, कुछ ऐसा इंसिडेंट या फिर कुछ ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहें हमारे एस्पिरेंट्स के साथ। सर एक इंटरव्यू में एक थोड़े मतलब थोड़ा फनी सा इंसिडेंट हो गया था कि उन्होंने क्रिकेट पे कुछ क्वेश्चन पूछा था, जी तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा क्रिकेट पे ऐसे, तो मैंने बता दिया वो क्वेश्चन, तो कुछ टाइम बाद बोर्ड के जो फोर सबसे राइट साइड पे बैठे थे सर, तो ही आज़मी कि मतलब आप नर्वस हैं कि नहीं, तो मैंने ऑनेस्टली बोला कि हाँ सर थोड़ा नर्वस तो हूँ मैं बट एक्साइटमेंट भी उतनी ही है, तो बट मैंने उनको बोला कि जो सर बीच में बैठे थे, मैंने कहा सर बट द मोमेंट सर की बात हुई तो पता नहीं कैसे मेरी सारी नर्वसनेस एकदम ही चली गई, तो ऑल ऑफ देम दे स्टार्टेड लाफिंग, और मतलब फिर मैंने उनको बताया कि क्रिकेट तो मतलब सॉर्ट ऑफ मेरा फर्स्ट पैशन है, फर्स्ट जी लव टाइप है, तो दे स्टार्टेड टेलिंग मी कि डोंट टेल दिस टू योर वाइफ नहीं तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें ये वो, तो वो बहुत एक सर फनी सा एटमोस्फेयर हो गया मतलब था थोड़ा वहां पे, आप भी थोड़ा रिलैक्स हो गए, थोड़ा फ्रेंडली हो जाते हो जब इस बहुत तरह बहुत ज्यादा से। सर, बहुत सर ये तो बहुत ही अच्छा हो गया था वहाँ पे माहौल, मैं खुद भी हंस रहा था और सारे जितने बोर्ड मेंबर्स हैं सब हंस रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा ये अच्छा था सर, ये भी मोमेंट काफी बढ़िया था, काफी रिलैक्सिंग था सर मोमेंट ये। चलिए,
अप्रतिम, अगर मतलब जो हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, और जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने 2023 में अटेम्प्ट देना है, उनके लिए अगर कोई हाँ मैसेज जी, आप देना चाहो तो। हेलो, आवाज आ रही है अप्रतिम? आम ऑडिबल? हेलो। हाँ सर, जी हाँ सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी आ रही है मैं सर, आ रही है आवाज़, आ रही है। जी मैं पूछ रहा था कि जो हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 2023 में फिर से अटेम्प्ट देंगे, उनके लिए अगर कोई मैसेज आप देना चाहो। सर जिन किसी भी कारण से अगर किसी का सिलेक्शन किसी भी सेक्शन की वजह से नहीं हो पाया, तो बस उसमें बस देखना है कि कहाँ पे थोड़े बहुत गैप्स हैं, और गैप्स को बस फिल करने वाली बात है। उसमें परेशान नहीं तो होना, और ना ही तो बिल्कुल भी होप लूज करनी। एग्जाम ही है सर, इतना कुछ कोई बड़ा या बड़ी चीज है नहीं, बहुत जी आसानी से हो भी जाएगा। जो बस आराम से बैठ के देखना है कि प्रीलिम्स में अगर कहीं गड़बड़ हो गई है, सी सेट में हो गई है, तो बस उसको रेक्टिफाई कर दें, और जी बस कॉन्फिडेंटली उस चीज को अपीयर करें। वहां पे आप जितना जित कॉन्फिडेंस से आप जाइए, आप आराम, अगर आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं, तो हो सिलेक्शन आपका उसी हिसाब से हो जाएगा। उसकी टेंशन थोड़ी सी कम रखें, और तैयारी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। बस यही मैं कहूंगा कि मतलब जिसका जिन लोग का जो कर रहे हैं तैयारी, या जिनका फॉर मतलब सम प्रिपरेशन रीजन करते अगर रहे। नहीं भी हुआ है, सर प्रिपरेशन कर सर मैं तो मेरी एक चीज है कि अगर आप जब तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब तक आप होप लूज करने का पॉइंट नहीं होना चाहिए। होप होपफुल, एट द सेम टाइम बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहिए कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, आई विल श्योरली डू इट द नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। मैं वो चीज कर दूंगा, मुझे बस थोड़ी बहुत इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स है बस मुझे उसको सॉर्ट आउट करना है, दैट्स ओके। सर थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा खराब लगता है, ये बात मैं भी मान सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी 2-3 अटेम्प्ट्स में नहीं, वो चीज रिजल्ट नहीं आए थे, तो खराब मुझे भी लगा था। बस सर उसमें पीछे थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके कहाँ कहाँ पे पॉइंटर्स हैं, कहाँ कहाँ पे क्या है, बैठ के उसको आराम से करिए। परेशान हताश होकर कुछ कुछ भी नहीं होने वाला, और बढ़िया से करिए, अच्छे से आपने तैयारी करी है, उसको बस आप फिल कर दीजिए उस गैप को। होगा अच्छा ही होगा, रिजल्ट अच्छा ही आएगा उसके बाद। कोई कोई परेशान होने की उसमें बात नहीं है। जी, थैंक यू अपरतिम, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, एंड थैंक यू इसके लिए, और हाँ जी सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू।